हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरे तरफ से राम राम जी। रात ना मैं 2:30 बज गए थे, मेरे को एडिटिंग रूटिंग करके मैंने सोचा कि चलो रेंडर हो गया, तो रेंडर होने के बाद फिर मैंने सोचा चलो वीडियो ना अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे। तो वीडियो को अपलोड करते करते मैं चल थोड़ी देर लेटती हूँ, बस लेटती जैसे ही पता नहीं इतने में लवन्या भी सो गई थी, तो इतने में मेरी आंख लगी, मुझे पता नहीं चला मैं सो गई। वीडियो मतलब फ़ोन ऑन था, चलता रहा और चलते चलते फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं चला। आज मन्नू का कहते स्कूल ही नहीं गया, मन्नू का कहते आज मेरी वैसे लेट हो गया। फिर जैसे सुबह मतलब सोई हूँ लेट, 3-4 बजे, 3 बजे, 3:30 बज गए थे शायद। तो जब मैं सोई तो फिर उसके बाद मेरी आंखें नहीं खुली, मुझे पता नहीं चला। तो सुबह जब आंख खुली तो तब तक 10 बज गए थे। तो मन्नू का क्या कहते स्कूल का टाइम निकल गया था, तो फिर अब क्या भेजती मैं उसको ना। फिर मैंने सबसे पहले उठ के पहले फटाफट मतलब वीडियो अपलोड किया, उसके बाद फिर मैं कहता चला लवण्या को ना। और आज हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकली, मैंने कल बोला था ना कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है, तो धूप ही नहीं निकली, इतनी धुंध हो रखी थी। मैं क्या पहले ना लवण्या को सबसे पहले ना ये दे देती हूँ, नेबुलाइजर दे देती हूँ उसको, और 3 दिन में 3 बार देना है ना, तो पहले इसको ये दे के इसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा ना, ऐसे इसको बहुत। और लवण्या को ना मैं ऐसे दे रही हूँ, ये ऐसे तो बड़े आराम से इसने ले लिया पकड़ के, वरना तो क्या कहते ये लेती नहीं थी कल तो बहुत। पहले तो ठीक था, बाद में फिर रोने लग गई थी, तो मैं कहा चलो ऐसे दे देती हूँ, सोते सो रही है ना भी, सोते सोते ले लेगी आराम से। तो ये देखिए, ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये बर्तन नहीं मांज रहा, इतना खराब बच गया, ये बर्तन बुर्तन नहीं साफ करता, ये अपना कुछ कर रहा है। की कर रहे हैं तुम? माउस पैड मांज रहे हैं। कितने तरह माउस पैड? अच्छा, तो ये माउस पैड साफ कर रहा है अपना, वही तो मैं सोचू की बर्तन साफ कर रहा है। और इसको ये नहीं कि अपने आप इसकी आंख खुल जाए, इतना जल्दी सो जाता है ये लड़का, इसकी नींद नहीं पूरी होती। 12 बजे सो के इतनी जल्दी? 12 बजे फिर क्या हो गया, मैं कितनी लेट सोंदी है, कई बार मैंने 4 बजे, कई बार मैंने 6 बजे, कई बार मैंने 7 बजे जाते हैं, जिस टाइम लवण्या सोंदी है उस टाइम मैं सोंदी है। कल तो 7 बज गए, 7:30 हो गए थे, हैं फिर मैं भी तो उठती है ना बेटा, आज तो फोन ही बंद हो गया गलती से पता नहीं कैसे। तो ये देखिए, ये अपना माउस पैड साफ कर रहा है, और बर्तन तो ये इतने से अभी साफ करेंगे, चाय तो हमने पी लिया था, बस अभी क्या कहते हैं बनाएंगे हम कुछ खाने कूने के लिए। और ये देखिए, आज तो क्या कहते हैं धूप ही नहीं निकली बिल्कुल भी, इतना मतलब धुंध ओस सी हो रखी थी, सुबह तो बहुत तेज ओस थी, और अभी तो फिर भी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, पर ठंड बहुत ज़्यादा है आज। कल मैंने ज़्यादा तारीफ कर दिया ना, हमारे यहाँ धूप निकल जाती है, तो इसलिए आज धूप ही नहीं निकली धूप को। और ये धनिया ना हमारा, ये धनिया सूख ही गया ओस से, ये तो हुआ इतना इतना हो भी गया था फिर भी, बट क्या कहते ना ये सूख गया, मुरझा गया बेचारा ओस की वजह से। तो अभी बना रही हूँ परांठे गोभी आलू और चावल के, तीनों को मिक्स कर लिया मैंने, सामान सामान डाल दिया इसके अंदर मसाला मसाला, और अब इसके परांठे बनाती हूँ, फिर मन्नू को देती हूँ, फिर लवण्या को भी खिलाऊंगी उठा के, वो सो ही रही है अभी तक। यहाँ पे परांठा बन गया है, बस अब मैं पहले मन्नू को दे देती हूँ, वो खा लेगा, फिर उसके बाद मैं और लवण्या खाएंगे, और मन्नू मलाई के साथ खाता है, तो उसको मलाई के साथ दे देती हूँ, पानी पोंछ लेती हूँ, नॉर्मल पिएगा या कोसा पिएगा। लो बेटा, मनु कूड़िया ला गया। हाँ दे रहे भैया, परांठा खाने लगा था बेचारा, अब क्या कहते हाथ धो के अब खाना खाने बैठेगा, क्योंकि कूड़े वाला आ गया था ना भाई। अब मैं रोटी परांठे बना रही हूँ, तो मैंने बोला इसको मन्नू ही दे देगा अभी। तो लवण्या को मैंने खाना खिला दिया था उठा के, और खा के ये फिर सो गई है, और इसको मैंने नेबुलाइजर भी दे दिया था, और खाना खुना भी खिला दिया, अब ये सो गया। ये देखिए कैसे सो रही है, चप्पी डाल के इसको, है ना अच्छा लग रहा है ना ऐसे। ये भी इसकी एक तरफ से थेरेपी है लवण्या की, ये मतलब इसको चप्पी डाल के सो गई, ऐसे मेरे को कभी चप्पी डाल के नहीं सोती है ऐसे। तो अभी शाम को आके वहाँ थेरेपी से मैं बनाऊँगी तोफू, और ये मैंने लहसुन छील के इसमें डाल दिया, और ये सारा सामान मैंने काट कूट के रख दिया कि आके बस तड़का तड़का लगा लूँगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से छील के धो धो के रख दिया है, फिर आने के बाद गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो अभी शाम हो चुकी है, ऑटो बुक कर रहे थे तो ऑटो बुक ही नहीं हो रहा, क्योंकि बाइक पे मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि लवण्या की अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं कहा चलो बाइक पे हम नहीं जाएंगे, तो मैं कहा पहले ऑटो बुक करते फिर उसके बाद लवण्या को जैकेट पहनाऊंगी। लवण्या भी सो ही रही थी ना, तो उसको मैंने उठाया नहीं लवण्या का, तो मैं कहा फिर जैसे ही वो ऑटो ऑटो वाला आ जाएगा तो उस आने में 5 मिनट लगते हैं ना, तो मैं उस टाइम इसको मतलब जैकेट पहना दूंगी, तो आज हमारा कैंसिल होगा जाना। और लवण्या वैसे ठीक भी नहीं है, तो मन्नू का पता करता कि 2-3 दिन रुक जा, जब ठीक हो जाएगी ना पूरे अच्छे से फिर उसके बाद ही जाना। तो बच्चों तो अभी तक यहाँ पे सो ही रही है इस पर, हाँ ये लल्लू के साथ, अरे उठ गया उठ गया, नहीं नहीं हंस रही है हंस रही है, अरे 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 सोना बेटा उठ गया, अरे वाह उठ जाओ उठ जाओ, आ देखो कितना सोई है लवण्या। तो ये देखिए ना, ये उठ ही गई है लब्बू, आ कौन है दिना सुता भी बेटू, तूने जफ्फी पा के सुलाया था, किदा सो देखो ये कैसे सो रही है लवण्या। और इसको तो कुछ और मिलता नहीं है, ये बोल को चिपकता रहता, देखो है बेटे तेरी बोल ले, हाई मन्नू गिरना जाई तन्नू, देख ला लवण्या एक ही करता है, तू भी कर रहा था
खड़ी हो जा मनु, मंजे तो फुटी जी फुटी फुटी मंजर जाके फुट जूंगा तू बदतमीज सिर सुर सुर। हाँ मतलब मंजर जाके सिर फुट जाएगा, कहने का मतलब यह मेरा बदतमीज लवनिया मंजे तो फुटी ना फुटी ना फुटी ना, क्या मुंह से निकल जाता है बेटा मेरे से। चल लुक जा, मैं जा रही हूँ किचन च फिर, ठीक है ना। मैं सब्जी सुब्जी बेटा कट समान कट के रखता था, बस उधर चलांगे। बट बे तू तो आया नहीं लवनिया, देखो आज उठ गई है शाम को, है वरना वो रोज ना मेरे को सोती होगी उठा के लेके जाना पड़ता, फिर इतना रोती है वहां जाके। है आज इसको पता चलेगा मेरी छुट्टी होगी। पुत्र छुट्टी होगी, पुत्र लवनिया तेरी थेरेपी की छुट्टी होगी। जाना नहीं मैम कोल अज? नहीं जाना मैडम कोल? जाना है, बोलो मम्मा जाना है। लब्बू बेतू कैब वाले ना बहुत पैसे ले लेते हैं, अब रोज रोज भी कैसे कैब करके जाए ना हम, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है ना मनु। और कैब वैसा आ भी नहीं रहा था, ना कैब वाला आ रहा था ना ऑटो वाला आ रहा था, बाइक वाला आ रहा है। बाइक पे हम जाना नहीं चाहते थे ठंड में, है ना लवाना जी, है ना सोने। कल भी मैं कैब में आई थी उधर से ना। तो अभी लवन्या के लिए कर दिया हमने बॉर्नविटा गरम। अरे कहाँ गया मनु, लेके जा रहा उसके पास लवन्या के लिए बॉर्नविटा लेके पिलाने, ठीक है। और मनु कहता मैं चाय पीऊँगा, क्योंकि ना थोड़ा दूध ना कल मंगवाना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा दूध है तो मैं थोड़ा सा दूध डाल के गाजर के हलवे में बना देती हूँ, बाकी दूध हम कल डाल देंगे। हाँ अरे बच्चू तूने डोल दिया नीचे, अरे बेटा डोल दिया तूने। पूजा मेरी हो चुकी है तो आप सभी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और बस सब जा रही हूँ फिर मैं किचन में, जय श्री राम। और भी थोड़ी देर में आऊँगी प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे चाय भी बन गई और मनु बोल रहा है कि पराठा पड़ा था तो कहता गर्म करके दे दो मेरे को, चाय के साथ खा लूँगा। तो उसको पराठा दे देती हूँ, थोड़ा सा लवन्या को भी खिला दूँगी, उसने बॉर्नविटा पिया था सभी। और यहाँ पर मैंने धनिया अपना काट लिया, मसाला पीस लिया, बस टमाटर पीसने हैं। पहले सब्जी को तड़का लगा दूँगी, फिर साथ ना गाजर काट काट के, आज मैंने कद्दूकस नहीं करूँगी गाजर को, तो मैं ना काट के कुकर में डाल के फिर वैसे बनाऊँगी हलवा, देखती हूँ कैसा बनता है। तो यहाँ पर मम्मा कर रहे हैं लब्बू की फिजियोथेरेपी और मैं बैठा हूँ बॉल पे। आज इसकी छुट्टी होगी ना तो मैं सोचा कि चलो आज मैं ना घर पे ही कर देती हूँ। वैसे भी करते हैं हम हल्का हल्का, जितना को बता रखा है हल्का हल्का वो कर देते हैं, बाकी अभी बॉल वाला मैं बताएंगे तो फिर उसके बाद हम करेंगे बॉल वाला। बॉल पे मैं कर रहा हूँ तो बॉल पे मनु कर देता अभी, है ना लवन्या। और अभी बॉल पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं करती हूँ ऐसे थेरेपी तो ये रोती नहीं है, जब वहां जाते हैं तो जहाँ जिस पे इसको पेन होता है ना वहां वहां रोती है, वैसे तो रोती नहीं है, है ना बेटू, है ना बेटू। ये वाला हो गया आपका पेन, ठीक है अब इसको करते हैं, ठीक है। और लवन्या मेरा बच्चू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना लब्बू जी। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, बस मैं यहाँ पर मसाला भून रही हूँ। और क्या कहते हैं बस इतना तो हुआ, थोड़ा सा लवन्या का थेरेपी करवा दिया हमने घर पे, आज गई नहीं ना तो फिर मैं जितना होता कर देते हैं घर पे। और यहाँ पे ये मैंने टोफू काट लिया है, बस अब ये तड़का लगा के इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे भी सब्जी बन रही है, तो इधर ना मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर घी, कुकर में बना रही हूँ आज ये गाजर को। तो क्या कहते गाजर को मैंने गोल गोल काट लिया, अभी बाकी मैं काटती रहूँगी और इसको मैं डाल देती हूँ कुकर में। और ये मैंने ऐसे बना रही हूँ, बाद में मैं मैश कर दूँगी। तो मैं चल ऐसे बना के देख लेती हूँ गाजर का, अगर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ वैसे मैं, आज मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं आज तक। तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे बैठता जाएगा तब तक काट काट के साथ में डालती रहूँगी और देखती हूँ कैसे बनता है ऐसा गाजर का। मेरी फ्रेंड आई थी ना जोड़ी ना, तो वो कहती थी ऐसे भी बनाओ ना तो अच्छा बन जाता है, तो मैं चलो ट्राई करके देखती हूँ। तो क्या गाजर देखी गाइस, आज मामा बना रहे गोल गोल गाजर का हलवा। गोल गोल गाजर तो दिन मेरी फ्रेंड आई थी तो वो कहती मैंने गोल गोल गाजर का हलवा बनाया था ना, तो मनु क्या बोल रहे हैं कहते हैं वो गोल गोल ही करता है, तो फिर वो बोल रहे जैसे हम आलू को मैच करते हैं तो ऐसे गाजर को भी हम मैच करते हैं, तो बस ऐसे इसको मतलब घोलना पड़ेगा, इसे हम साग को घोल देते हैं। तो देखते हैं मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कैसा बनेगा पता नहीं। और उसी के साथ मम्मा बना रहे हैं पनीर की कॉपी टोफू, पनीर की कॉपी टोफू। मम्मी तो पापा होते हैं ना, फिर वो जल्दी जल्दी गाजर कद्दू करवा देते हैं, है ना। इसका मन करता था कुछ कुछ खाने को, तो इसलिए
और बड़े मुश्किल से उसने खाने को मांगने लगा, वरना तीन साल से ये बीमार रहता था ना तो कुछ खाता ही नहीं था। हम लोग बोलते रहते थे खा ले कि कुछ नहीं खाता था, और लवन्या भी खा लवन्या थोड़ा खाते खाते था जो मुख्य है ना खा लेते पर थोड़ा खाते मम्मा लेकिन कुछ खाना गाजर खा लेता है। हाँ तो हले तो खा के आया है, हले खा के आया है। तो इतने से गाजर मैंने रख लिया, इसकी मैं सब्जी बना लूँगी। और अभी ये कुकर में डाल दिया, अभी ये इतना हो गया है, धीरे धीरे नीचे बैठेगा ना, तो उसके बाद ही मैं इतना सा ये बचा है इसको भी डाल दूँगी इसके अंदर। और सब्जी भी बनी हुई है, बस अब गैस कर देती हूँ बंद, और इसमें हरा धनिया डालना है। गैस बंद कर देती हूँ, बस फिर अब लोनिया और मन्नू के लिए रोटी बनाती हूँ। तो ये तो बनता ही रहेगा गाजर का हलवा, तब तक रोटी बना लेते हैं। तो मैंने कुकर कर दिया बंद, मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था आधा गिलास, फिर कुकर बंद कर दिया। और यहाँ पे गाजर को मैंने काट के रख लिया, अगर देखूँगी सुबह मनु जब स्कूल जाएगा ना तब सब्जी बना दूँगी इसकी, आलू गाजर बना दूँगी ना। आटा भी मैंने गूंद लिया, बस अब इसको एक बार मुक्की देनी है, फिर रोटी बनाना है, बस इतना काम रह गया। ये देखिए ये बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं, हे भगवान। लवण्या बेटा ये तूने कहाँ फेंक दिया अपना, अरे बेटू इसका नाम भी अनन्या ही रख दो, सब अनन्या है लवण्या है। और बेचारी दूजी वाली कितने चलेगी, नकली वाली नकली वाली को अलमारी में बंद कर दिया। मनु इतना गला टोपी नहीं खींचनी, लब्बू हेलो कर लो वीर जी ना, हेलो हेलो। अच्छा मम्मा ना करेगी, देखो लब्बू हेलो कर लो बेटा, मम्मा ना हेलो कर लो, बेइज्जती नहीं कर दो मम्मा दी, गुड गर्ल लवण्या, गुड गर्ल, हेलो हेलो हेलो। अरे क्लैपिंग नहीं, ये तो क्लैपिंग है बच्चू। लवण्या हेलो करो, हेलो हेलो करो, देखो कितने करूंगी लवण्या हेलो, मम्मा ना कबीर जी नाल, मेरे हाथ बहुत ठंडे है लवण्या, देख कितने ठंडे हाथ है लवण्या। हेलो कर लो बेटा मम्मा ना, हेलो बेटा, इसको पता है मम्मा के हैंड बहुत ठंडे है, क्लैपिंग है इनू क्लैपिंग। अरे क्लैपिंग नहीं करनी बेटा, इनू क्लैपिंग कहते है। हेलो कर लो मम्मा ने एक बार, यार ये बेस्ती कर देता बच्चा, ये मूड का मालिक है, मर्जी का मालिक, मूड का मालिक वही तो मर्जी का मालिक है भाई, ये नहीं सुनता सादी गल। हेलो करो, हेलो तो रात मम्मा ने हेलो सिखाई थी ना, हेलो करो जल्दी हेलो करो। अरे मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, इसलिए पीछे कर रही है लवण्या, हेलो हेलो। ये मेरे को ना हरदम ठंडे ठंडे हाथ लगा देता है, हम लगवा अपने हाथ देखो है, देखने ठंडे हाथ है, हा लग गया तो गर्म पे है। तो इधर मैंने आटे को भी मुक्की दे दिया है, और यहाँ पे ना मशीन चल रही है कैसे बैठे यहाँ पर, ये मशीन ना ठप ढप ढप करने लग जाती है, ये ना रुक जाती है, तो जब ये कपड़े सुखाने वाली होती है ना तो ये रुक जाती है, दोबारा दोबारा पानी लेती रहती है, तो फिर इस पर ना मनु को बैठाना पड़ता है। और ये झूले भी ले लेता है, और क्या कहते हैं मशीन अपना कपड़े भी सुखा देती है। छूटे नहीं ले रहा तू, क्या तुम छूटे नहीं मिल रहे, अच्छा ताँ क्या हो गया, चटके मिल रहे तो छूटे तो है गए ना। तो ये अपना झूठे भी ले रहा, और मशीन में कपड़े भी सूख जाएंगे, फिर मैं ना उस रूम में टांग के पंखा चला दूंगी, और बस अब रोटी बनानी है ठीक है। जब मैं 6 मिनट से आ जाऊँगी, 4 से आ जाऊँगी ना, फिर चाहे तू उतर के आ जाइए ठीक है। तो ये देखिए ये लवण्या क्या कर रही है, इसको मैंने खाना खिला दिया, इसको दवाई दे दिया, बस मैंने खाना खाना है, तो मैं चल इसको ना ये नेबुलाइजर भी दे देते हैं, तो उसको बहुत फर्क पड़ा बट इससे, तो मैं चल दे देते बट ये देखो रुक जा मनु खड़े नु लवण्या को अच्छा लग रहा है ना, बस खींचना नहीं है ओके, वेरी गुड लवण्या खुद से ले रही है आज लब्बू नेबुलाइजर खुद से ले रही है ना, अच्छा लग रहा है इतना आराम आया ना, मुंह खोल लो मुंह खोल के खींचो, लंबे लंबे सांस ले लो बेटा लवण्या, लवण्या ने अच्छा लग रहा है ना आज, ने अच्छा लग रहा है ना पैया हूं ना, राम ने मैं राम आया ना दिन आज ना ले ले दिया, वरना ये दिन में भी ले लेता वैसे और दिन में, तो ये और दिन में दो बार छोड़ दिया, तो दिन में आराम से ले लेता इसने, लवण्या को खाना खिला दिया, दवाई दे दिया, बस मैंने खाना खाना है, मन्नू ने भी खा लिया, और अभी गाजर का हलवा हमारा बन ही रहा है, रखा हुआ मैंने बनता रहेगा, मन्नू ने पढ़ा हुआ है देखो, तो गैस इसने पकड़ रखा है अच्छे से कि ये गिरे गुरे ना, नहीं गिरता लब्बू, गुड गर्ल बेटा लवण्या गुड गर्ल। ओ मुंह भी चलाई जा रही है अंदर, हाँ मुंह खोल आ, तेरे मुंह जो भी चल रहा आ, मुंह नहीं मुंह खोल बेटा, फट दो पैर फट दो।
तो मैंने कुकर का ढक्कन खोल कर देखा था, इसमें ना गोल गोल पीस ही पड़े थे, तो मैंने चीनी भी डाल दिया इसके अंदर, और चीनी डाल के फिर बस मैंने ये मैशर है इसके साथ क्या कहते हैं मैश कर दिया। अगर ये ना हो तो घोटना होता ना, घोटना जिसे हम साग घोटते हैं उससे मैश कर सकते हैं। और बस इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं ब्लो की एडिटिंग कर दूँगी और क्या कहते हैं ये पकता रहेगा। फिर सुबह दूध दिया के ना, तो फिर उसके बाद इसमें दूध डालेंगे। दूध नहीं डाला था मैंने क्योंकि दूध कम था ना, बस आधा गिलास ही डाला था, तो वैसे बहुत अच्छा हो गया। कद्दूकस करने की ना टेंशन ही नहीं है, अब खाने में कैसा लगेगा अभी पता नहीं। और अभी बस लवन्या का मैंने डायपर चेंज करना है और इसके फेस पे अच्छे से तेल लगाना है और टांगों टूंगों पे तेल लगाना, क्योंकि इसको एलर्जी हो रखी है ना, तो वो तेल से इसको आराम मिल जाता है, नहीं तो खुजली होती रहती है इसको। ये तेल हो रहा है यहाँ पे गर्म, और ये इसकी लालिमा, लालिमा नाम क्या रखा बेटा था अभी पता नहीं इसका नाम, हमने कुछ नहीं डिसाइड किया, समझ ही नहीं आ रहा क्या नाम रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाथरूम चला गया उठ के, लवण्या मनु भाई को ना नींद नहीं आती, देख लो नींद नहीं आती, तभी सुबह ये उठता नहीं है, इसको इतना नहीं पता आज मम्मा लेट होती तो उठ जाए स्कूल जाने के लिए है। तो